महाविद्यालय की बीए पार्ट थर्ड की हिंदी साहित्य की सभी छात्राओं को रविंद्र शर्मा का नमस्कार। नए सत्र 2020-21 में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम हम आपके पाठ्यक्रम के दोनों प्रश्न पत्र के सिलेबस की चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक काव्य नाम से आपका प्रश्न पत्र रखा गया है। इस प्रश्न पत्र में मैं अभी वर्तमान समय में आपको गत वर्ष का जो सिलेबस है उसके आधार पर मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूँ, और यदि इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा तो मैं आपको अपने अगले किसी व्याख्यान में आपको बता दिया जाएगा, और समय समय पर आप भी इस संबंध में जानकारी स्वतः ही रखें कि इस वर्ष महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा आधुनिक काव्य के प्रथम प्रश्न पत्र में कवियों और उनकी कविताओं से संबंधित क्या परिवर्तन किए गए हैं, इस बात की जानकारी मेरे द्वारा भी आपको समय समय पर दी जाएगी और आप स्वतः ही इस बात की जानकारी रखने की प्रयासरत रहें। मैं वर्तमान में आपको 2020 में जो प्रश्न पत्र निर्धारित था जिसे संबंधित उसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। इकाई एक के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र की इकाई एक के अंतर्गत संबुक एक काव्यखंड है जगदीश गुप्त का, जो लोक भारती प्रकाशन का के द्वारा प्रकाशित किया गया है वह रखा गया है। इकाई दो में आधुनिक काल के बहुत से महत्वपूर्ण कवियों को रखा गया है, इकाई तीन में भी और इकाई चार में भी। हमारे आधुनिक काल में हिंदी साहित्य के आधुनिक काव्य खंड में जो बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी कविताओं को रखा गया है। तो सर्वप्रथम हम इकाई दो की अब हम चर्चा करते हैं। इकाई दो में मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, पैशोला की प्रतिध्वनि, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमिता नंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये सब इकाई दो के अंतर्गत आपके रखे गए हैं। इकाई तीन में हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, सचिनानंद हीरानंद वात्सेना गेई, गजानन माधव मुक्तिबोध आदि की कविताएं रखी गई है। इकाई चार में सुदामा पांडे, रघुवीर सहाय, दुष्यंत, हरीश पहदानी और नंदकिशोर आचार्य, इन कवियों की कविताएं आपके इकाई चार के अंतर्गत रखी गई है। इकाई पाँच में आधुनिक कविता का इतिहास, रूपवाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद का अध्ययन और हिंदी साहित्य के प्रमुख विमर्श रखे गए हैं, जिसमें स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और विकलांग विमर्श रखे गए हैं। और तीसरे भाग में काव्य रूप हैं जिसमें बिंब, प्रतीक, रस का अर्थ, रस स्वरूप, रस निष्पत्ति, अवयव, साधारणीकरण, रस के भेद आदि ये सभी टॉपिक्स रखे गए हैं। कुल मिलाकर संक्षेप में मैं आपको पहले प्रश्न पत्र की आपको चर्चा कर देता हूँ कि किस तरह से आपका प्रश्न पत्र आएगा। देखिए, सामान्य रूप से इस बात को आप ध्यान में रखें कि दोनों ही इकाई में जो प्रश्न पत्र है वह सामान्य रूप से उसका जो पहला भाग है इकाई एक खंड अ जिसे हम कह सकते हैं, उसमें प्रत्येक इकाई से अधिकतम दो प्रश्न रखते हुए सभी पांचों इकाइयों में से कुल 10 लघु उत्तरात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न है वह 2 अंक का है। इकाई दो के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में सभी पांचों इकाइयों में से 7 व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 5 अनिवार्य रूप से आपको करने होंगे, और प्रत्येक जो व्याख्या है वह 8 अंक की होगी। और इकाई श के अंतर्गत सभी पांचों इकाइयों में से 4 आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक जो प्रश्न पूछे जाएंगे निबंधात्मक रूप में, जिसमें से प्रत्येक इकाई में से अधिकतम एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा और आपको कुल 2 प्रश्न करने अनिवार्य है। ये 2 प्रश्न 40 अंक के हैं। इस तरह से इकाई दो, इकाई ब और इकाई स, ये दोनों 40-40 नंबर की भी है और इकाई
आपके 20 नंबर की भी है, इस तरह से 100 अंक आपके निर्धारित हैं। अब हम पहले प्रश्न पत्र की जहाँ तक संक्षेप में आपको मैं बताऊँ आप चर्चा करें, तो आपको जिन चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण रूप में ध्यान में रखना हुआ यह कि सर्वप्रथम तो आपको हिंदी साहित्य के आधुनिक काल या आधुनिक कविता का जो इतिहास है उसका अध्ययन बहुत विस्तृत रूप से करना है, जिसके अंतर्गत आपको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि इन सभी जो वाद जो तथ्य हैं इनसे संबंधित कविता, इनकी विशेषताएं, इनके कवि, यह आपको महत्वपूर्ण रूप से आपको करने हैं। दूसरे कि जितने भी विमर्श हैं उनमें आपको विशेष रूप से 3 विमर्श पर आपको ध्यान देना है, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और विकलांग विमर्श, और बिंब प्रतीक रस के अर्थ के रूप में आपको तथ्यों का और रस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनका आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अब रही बात इनके कवियों से संबंधित, तो कवियों से संबंधित जो भी कविताएं लगी हुई है इकाई 2 में, जैसे मैथिलीशरण गुप्त है या सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, पंत महादेवी प्रसाद आदि, इन सभी कवियों की कविताओं का तो अध्ययन करना ही है आपको, लेकिन इसके साथ साथ इन सभी कवियों की काव्यगत विशेषताओं को पर भी आपको विशेष ध्यान आकर्षित करना है, और साथ साथ में यदि किसी कवि का कोई टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण बनता है सामान्य रूप से परीक्षा प्रश्न पत्र में जो पूछा जाता है उनको भी आपको ध्यान में रखना। उदाहरण के रूप में जैसे हम पंत को लेते हैं, तो पंत के काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष की विवेचना तो करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ में पंत के प्रकृति चित्रण पर भी हमें विशेष रूप से अध्ययन करना पड़ेगा। उसी तरह महादेवी वर्मा के रहस्यवाद, उसकी वेदना का अध्ययन, गुप्त जी की राष्ट्रीय भावना, नारी भावना का अध्ययन, ये सब अलग अलग टुकड़ों में आपको अलग अलग टॉपिक्स पर आपको अध्ययन करना चाहिए पड़ेगा। तीसरी इकाई के अंतर्गत जो हरिवंश राय, नागार्जुन और रामदास दिनकर है, इन सभी कवियों की जो आधुनिक काल से संबंधित जो कविताएं हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान रखते हुए इन कवियों की काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं उनका अध्ययन, और इसी तरह चौथी इकाई के जो इस तरह पहले प्रश्न पत्र में मैंने आपको संपूर्ण रूप से सारी इकाइयों से संबंधित आपको तथ्य बता दिए हैं। अब मैं आपको दूसरी इकाई या अर्थात दूसरे प्रश्न पत्र से संबंधित आपसे चर्चा करूंगा। दूसरे प्रश्न पत्र में आपके जो टॉपिक लगा हुआ वह है निबंध एवं भाषा का। निबंध एवं भाषा में आपको 5 इकाइयां जो आपकी है उसमें हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण निबंधकार आपके कोर्स में लगाए हुए हैं, जिसमें बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय पहली इकाई में हैं, जिनके निबंध मन की दृढ़ता, दांत, क्रोध और साहित्य का मूल्य है। दूसरी इकाई में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, आचार्य नंदवारी वाजपेयी का प्रसाद और निराला, वासुदेव शरण अग्रवाल का भूमि को देवत्व प्रदान और महादेवी वर्मा का जीने की कला निबंध आपके द्वितीय प्रश्न पत्र की दूसरी इकाई में लगाए हुए हैं। तीसरी इकाई में डॉक्टर रामविलास शर्मा का प्रेमचंद और भाषा समस्या, तमाल के झरोखे से विद्यान्यवास मिश्र का आधुनिकता, नई और पुरानी कुबेरनाथ राय का और नंदकिशोर आचार्य जी का निबंध परंपरा बोध और समकालीन साहित्य है। इसमें आपको प्रत्येक निबंध से संबंधित उसका शुरू से लेकर अंत तक सारांश आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है और वही परीक्षा में महत्वपूर्ण रूप से आपके कोर्स में आएगा। यह प्रश्न 2 रूपों में आ सकता है, या तो किसी निबंध की बहुत महत्वपूर्ण बात है उसकी एक पंक्ति देकर के पूरे निबंध का उसका सारांश पूछा जा सकता है, या पूरे निबंध का नाम देकर उसका सारांश पूछा जा सकता है। इकाई 4 में आपके भाषा का टॉपिक लगा हुआ है, यह बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं इकाई मान सकते हैं, क्योंकि इससे आपका भाषा से संबंधित आपका सारा परिचय होगा, जिसमें भाषा का वैज्ञानिक परिचय, आधुनिक प्राचीन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, हिंदी भाषा का उद्भव और उसका विकास, देवनागरी लिपि का परिचय, ये सभी प्रश्न टॉपिक्स लगाए हुए हैं। इसमें भी विशेष रूप से हिंदी भाषा की बोलियाँ, उपबोलियाँ, हिंदी का उद्भव, हिंदी भाषा का विकास और देवनागरी लिपि के गुण व दोष आदि सभी का अध्ययन आपको बहुत बारीकी से करना पड़ेगा।
हिंदी आलोचनात्मक एवं निबंध का तात्विक विवेचन और उसके ऐतिहासिक विकास भी आपको करना है। सरल शब्दों में कहें तो निबंध और आलोचना का विकास, उसकी विशेषताएं, उनके प्रकार, उनके भेद, है ना, इन सभी का अध्ययन आपको चौथी इकाई में करना है। और पांचवी इकाई में आपको एक टॉपिक साहित्यिक निबंध का है लगा हुआ आपके, जिसमें चार पांच निबंध आपसे दिए जाएंगे आपको, जिसमें से एक निबंध आपको करना है। साहित्यिक निबंध में हम महत्वपूर्ण जो कवि या लेखक अथवा वाद, उनका अध्ययन करेंगे। इस तरह से हिंदी साहित्य के इन दोनों प्रश्न पत्र में मैंने आपको स्पष्ट रूप से आपसे विवेचित कर दिया है कि आपको पहले प्रश्न पत्र में काव्य खंड का और दूसरे प्रश्न पत्र में निबंध एवं भाषा का अध्ययन आपको करना है। इनसे संबंधित आप शीघ्र ही टेक्स्ट बुक, जो आपके पाठ्य पुस्तक जो आपके कोर्स में लगाई हुई है, उसको आप खरीद लें, ताकि हम जब तक आपके पास टेक्स्ट बुक उपलब्ध होती है तब तक हम इकाई चार से संबंधित अध्ययन कर लेंगे। तो मैं द्वितीय प्रश्न पत्र की चौथी इकाई है उसी को हम पहले शुरू करेंगे, जिसमें या इकाई पाँच को भी देखा जा सकता है जिसमें साहित्यिक निबंध है। तो इकाई चार और पाँच को ही हम पहले इसमें शुरू करेंगे। इकाई पाँच सरलता के दृष्टिकोण से आपके लिए पहले शुरू करना ठीक रहेगा, जिसमें साहित्यिक निबंध है। तो हम बहुत महत्वपूर्ण जो निबंधकार लेखक या वाद है हिंदी साहित्य के, उनका अध्ययन करेंगे। और इस तरह से आप इससे पहले प्रश्न पत्र की आपकी काफ़ी कुछ जिज्ञासाएं, शंका भी इसमें समाधान हो जाएगी। उदाहरण के रूप में जैसे मान लीजिए हम छायावाद का अर्थ, उसका उद्भव, उसकी विशेषताएं, उसकी कमियां, उनका अध्ययन करेंगे तो पंत प्रसाद निराला महादेवी को समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। हम कल से पांचवी इकाई को शुरू करेंगे, जिसमें साहित्यिक निबंध के कुछ महत्वपूर्ण निबंधकारों का वादों का अध्ययन शुरू किए जाएं। लेकिन एक तथ्य मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आप सभी कम से कम दो तीन हिंदी साहित्य का इतिहास आपके पास में अवश्य होने चाहिए इन दोनों प्रश्न पत्र के लिए। मैं कुछ प्रमुख जो हिंदी साहित्य के इतिहास हैं उनका मैं आपको नाम बता रहा हूँ, यथासंभव आप उसको खरीदने की कोशिश करें, जो भी उपलब्ध हो जाए आपको मार्केट में उसको आप खरीद लें, ताकि आपको बहुत आसानी हो जाए दोनों प्रश्न पत्रों को पढ़ने में। यदि आप हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, अथवा हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का, या हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, इन तीनों में से जो भी आपको उपलब्ध हो जाए आपसे खरीद लें। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बहादुर सिंह का भी आप खरीद सकते हैं। इन सब के अतिरिक्त आपको एक भाषा की पुस्तक भी आपको ही खरीदनी है। हिंदी भाषा के विकास के विविध आयामों में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की जो हिंदी भाषा की पुस्तकें हैं वह खरीदें। और साहित्यिक निबंध में कई निबंधकारों से संबंधित आपको पुस्तकें मिलेगी, जिसमें राजनाथ शर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की महत्वपूर्ण है। जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका आप अध्ययन करें, अथवा मार्केट से आप उसको खरीद करके, या महाविद्यालय की पुस्तकालय से भी आप इशू करवा करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। कुल मिलाकर हम कल से बीए पार्ट थर्ड के हिंदी साहित्य के सेकंड प्रश्न पत्र में आपको कुछ कवि, निबंधकार और वाद से संबंधित अध्याय हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।